हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच में हम भोजपुरी सिनेमा से रिलेटेड व भोजपुरी लोकगीतों से रिलेटेड ढेर सारा जानकारी, ढेर सारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, रिलीजिंग कंपनियां व तमाम तरह के ऑफ़र व तमाम तरह के डिस्काउंट अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में लेकर आते रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बैठे हैं महादेव रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली, जहाँ पर आपके जो है प्रतिभा को पहचाना जाता है। और आपके प्रतिभा के हिसाब से मैं ये नहीं कहता कि आपको कुछ आए ना, आप स्टूडियो चले आएँ और बाद में दोष दें कि मतलब हमारा काम ढंग से नहीं हुआ या कंपोजिंग ढंग से नहीं हो पाया। आपके अंदर अगर प्रतिभा है तो मेहनत करते हैं हमारे महादेव रिकॉर्डिंग स्टूडियो के जो म्यूज़िक कंपोजर हैं, दिलीप जी। आज इनसे हम परिचय कराएंगे अपने इसी स्टूडियो से और ढेर सारा चर्चा करेंगे जो भोजपुरी लोकगीतों से रिलेटेड हमारे नए व पुराने भोजपुरी सिंगरों को मदद मिलेगा इससे। तो फिर अब हम मिलवाते हैं आपको दिलीप जी से महादेव रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। तो दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। यानी कि आपको इस चैनल पर, हमारे इस चैनल पर आपको ऑडियंस जो मिलेंगे वो भोजपुरी सिनेमा से रिलेटेड कलाकार ही मिलेंगे। तो आप म्यूज़िक कंपोज करते हैं तो हमारे नए व पुराने भोजपुरी सिंगरों को मतलब क्या फैसिलिटी देते हैं, कितना मदद करते हैं उनको यहाँ पर गाना गाने व रिकॉर्डिंग में? नमस्कार। सबसे पहले भोजपुरी सिनेमा के जितने भी कलाकार देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ जी। और मैं स्टूडियो में, महादेव स्टूडियो दिल्ली में काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ। सबसे बड़ा ध्येय मेरा ये है कि जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कलाकार हैं ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, स्टूडियो में जाके हम मतलब होपलेस हो जाते हैं। होपलेस हो जाते हैं। तो मेरे यहाँ मुझसे जो भी बन पाता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको अच्छा गवाने की और मतलब कि जैसे जो कलाकार आते हैं, नए कलाकार आते हैं, उनके अंदर डर होता है जी जी, तो जी उस डर को आप निकाल के उनको बराबर का सपोर्ट करके बढ़िया रिकॉर्डिंग कराते हैं जी 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 सर जी सर। तो जैसे कि आज का जो माहौल है, लोग जो नए सिंगर हैं और सुपर स्टारों का जो तमाम गाने देखते हैं जी, और उस माहौल को समझ नहीं पाते हैं जी, और वही ख्वाब लेकर एकदम नए बंदे आपके, मान लिया आपके यहाँ आ जाते हैं, उनको ना तो स्केल के विषय में ज़्यादा जानकारी होती है, ना टेम्पो पता होता है, ना रिदम समझ पाते हैं, तो उनको आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि वो एकदम पका के रख देते हैं, कंपोजरों को मैंने देखा है, तो कैसे मैनेज करते हैं उनको? जी, ये सच है कि ये सही है कह रहे हैं आप, पका के रख देते हैं। जैसे नए बंदे हमारे यहाँ आते हैं, अच्छा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके उनको अच्छा से अच्छी रिकॉर्डिंग करके उनको संतुष्ट करूँ, सेटिस्फाई करूँ। और अगर उनसे नहीं भी हो पा रहा है, ये तो आप जानते ही हैं कि कोई सिंगर देखे होंगे गाते हुए, पका ही देते हैं बिल्कुल, जो नए सिंगर्स होते हैं जिनको स्केल या टेम्पो या अदर किसी चीज़ के रिदम के बारे में नहीं चलना होता है, बेसुरा भी हो जाते हैं, उनको किसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है। और हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि कभी भी कोई भी सिंगर आता है नया, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी मेहनत करके उसको अच्छा गवाऊँ। हाँ, मतलब उसको रिदम और टेम्पो में लेकर आते हैं ताकि वो प्रोग्रेस कर पाए जी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम अपने यहाँ से ट्रैक स्पोर्ट करके उसको दे देते हैं, अपने ही स्टूडियो में उसको रूम देते हैं रहने के लिए, एक दो दिन तक उसका रियाज अच्छे से करवाते हैं। रियाज जी जी, और रिदम को पकड़ पाए जी, तभी अगर रिदम को पकड़ लेगा तभी वो ढंग से गा पाएगा जी जी। इतना फैसिलिटी आप देते हैं अपने स्टूडियो की तरफ से जी। तो सर, जैसे कि मेरा आखिरी सवाल होगा, और आज के अगर जो आज का माहौल है मार्केट के हिसाब से, यानी कि देखा जाए तो बहुत से सिंगर ऐसे हैं कि एक ही ट्रैक, यानी कि जैसे किसी स्टार का कोई ट्रैक हिट हो गया, म्यूजिक हिट हो गया, उसका गाना हिट हो गया, तो उसी को ख्वाबों में ले लेते हैं, सपनों में देखने लगते हैं, और उसी के ट्रैक को लेकर आ जाते हैं आपके पास कि नहीं मुझे इसी पे गाना है, जबकि स्केल टेम्पो या जो है रिदम देखा जाए तो हो सकता है कि मैच करे या ना मैच करे, तो वो उसी को लेकर आ जाते हैं। तो किस हिसाब से उनको आप मैनेज करते हैं या डील करते हैं, कैसे समझाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सबसे गलत है। अच्छा। ये जो तरीका अपनाते हैं लोग, ये सबसे गलत है, क्योंकि जो वो ट्रैक बना होता है, वो जो सिंगर हिट हुआ होता है उस ट्रैक से, अच्छा, सबसे पहले तो उसके हिसाब से वो ट्रैक बनाया गया होता है। हाँ, मतलब उसके स्केल के हिसाब से, उसके स्केल के हिसाब से, उसके टेम्पो के हिसाब से जी, उसके रेंज के हिसाब से, वॉइस की रेंज के हिसाब से वो ट्रैक बनाया गया होता है। अच्छा अच्छा। और ये बहुत गलत हो रहा है। मैं सब जो दर्शक, जो सिंगर्स लोग देख रहे हैं, हमारे सिंगर, हमारे गायक भैया, हाँ, जो अपने भोजपुरी सिनेमा से रिलेटेड कलाकार जी, हैं, जितने कलाकार देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ऐसा करना बंद कर दें, क्योंकि
वैसे कोई ट्रैक अगर फेमस है तो उसको उसके स्केल के हिसाब से ना गा करके उसको बेसुरा गा करके मार्केट में लॉन्च करते हैं, सुनने के बाद बड़ा दुख होता है। अच्छा अच्छा जी। और मैं आपका कहने का मतलब है कि जैसे जिस सिंगर का रिकॉर्डिंग मतलब हो गया वो अपने स्केल व टेम्पो के हिसाब से गा के मार्केट में हिट हो गया, और जो नए सिंगर होते हैं वो उसी ट्रैक को लेकर आते आकर गाते हैं लेकिन उसके टेम्पो और स्केल के हिसाब से मैच नहीं करता, उसका इसलिए भद्दा लगने जी, लगता जी, है। जी 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 उसका कोई मैच बिल्कुल भी नहीं मैच होता जी, इतना बेसुरा होता है, इतना बेसुरा होता है सुनने के बाद क्या कहा जाए, आखिर कलाकार अपने भाई हैं सब। तो हमारे इस स्टूडियो में ये पूरी व्यवस्था है कि सिंगर्स को अच्छे तरीके से तैयार करके उसको गवाया जाए। अच्छा अच्छा जी। तो यानी कि महादेव रिकॉर्डिंग स्टूडियो का ये रिक्वेस्ट है कि मतलब आप जैसे चार गाना करने सोच रहे हो ट्रैक पे, तो दो ही गाने करो लेकिन न्यू ट्रैक पे। जी जी, दो ही गाने करो न्यू ट्रैक पे, उसका रिस्पांस भी आएगा आपको। हाँ, अब जब नया ट्रैक रहेगा तो जैसे यूट्यूब पर आजकल आ रहे हैं कॉपीराइट, जी जी, तो कॉपीराइट वाला प्रॉब्लम हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। जी जी। तो सर जैसे आपके द्वारा कोई कंपोज किया हुआ म्यूजिक है न्यू ट्रैक का भी? जी जी, आज ही मैंने ये तैयार किया है। अच्छा, तो आप आ गए तो काम बंद कर ही दिए। चलो ठीक है, तो थोड़ा प्ले करके अपने दर्शकों को जरूर जी जी सुनाइए। पुराने सिंगरों को एडजस्टमेंट करके एक सही मार्गदर्शन दिया जाता है, और पुराने और नए ट्रैक पे पुराने और नए ट्रैक के विषय में जो हमारे म्यूजिक कंपोजर दिलीप जी ने चर्चा किया, इन सब चीज़ों को फोकस करते हुए अगर आप पुराने ट्रैक पर गाना गाना चाह रहे हैं तो उससे आपको वो रियलिटी नहीं मिल पाएगी जो आज के मार्केट का जो डिमांड है। यानी कि अगर पुराने ट्रैक पर आप गाते हैं तो ना तो सिंगर का जो है जो पुराना ट्रैक जिस सिंगर का होता है उसके स्केल या टेम्पो को साथ में लेकर चल पाएंगे, और ना ही आपको कोई रेवेन्यू देगा जो है यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि वो कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट नोटिफिकेशन का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप नए ट्रैक पर गाना गाना चाहते हैं तो आइए हमारे महादेव रिकॉर्डिंग स्टूडियो, यहाँ पर आपको हर प्रकार की हर तरह की सहायता हर तरह की जो है फैसिलिटी आपको दी जाएगी। तो दोस्तों भोजपुरी सिनेमा टीवी में इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए आप भोजपुरी सिनेमा टीवी पर, और हम मिलेंगे एक अगली जानकारी के साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।